दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से। तो वो कहा कि आपके भी दो मंत्री बनेंगे, और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राजसभा भेजेंगे नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। फिर तो ये सब चीजें सामने हैं आपके। तो फिर बीजेपी राष्ट्रवादी वो व्यक्ति होगा जो हमारे किसान और हमारे दुख को समझता होगा। राष्ट्रवादी भाषण से नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आप भारत माता की जय बोलेंगे और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप राष्ट्रवादी तब होंगे जब किसान को आप उसका हक देंगे, नौजवान को नौकरी दोगे। तभी तो कहा ना जय जवान जय किसान। अगर जय जवान जय किसान का महत्व तो नहीं समझते हो तो आप राष्ट्रवादी नहीं है। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। देखिए ये इंडिया गठबंधन की कई बैठक हो चुकी है और कई बैठकों में और कई मौकों पर आप जो सवाल पूछ रहे हो पूछे जा चुके हैं, उस पर अब आगे कोई बात नहीं होगी। अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। कह तो दिया तुमने, सुना नहीं। जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके दो दो मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाए, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और ये लेट चलता है क्यों? व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं देखते हो? तो पीडीए में है, पीडीए की मदद करेंगी वो। ये लेट चलता है। अरे आपने धन्यवाद दिया हमें जब हमने पहले ज्यादा भेजे थे। अरे धन्यवाद नहीं देते हो बताओ हमें। इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि कौन कितना समाज में है। कम से कम उन्हें हम संविधान के तहत, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल रहा है। आदिवासी हैं उन्हें भी हक और सम्मान आबादी के हिसाब से मिल रहा है। तो जब विशेष अधिकार की बात हो तो मैं समझता हूँ हर समाज के लोग चाहते हैं कि जाति झंडा हो जिससे उन्हें मौका मिल सके, बराबर का अधिकार मिल सके। अरे कोई वापस आएगा हम ले लेंगे। नहीं, मेरी बातचीत हुई लेकिन वो हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेंगे और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं लेकिन दो बड़ा के साथ बड़ा। देखिए मुजफ्फरनगर में समाजवादी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी है, आज भी वहाँ पे हुई है। तो क्या हो गया, कंपटीशन होगा, उसमें क्या दिक्कत है? पहले अनिल रॉय जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे याद किया। मैं इनके परिवार का धन्यवाद देता हूँ और जो बच्चे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे उनको मैं पूरे जीवन भर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जहां तक सवाल राजनीति का है, जो सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश ना पहुंचाने का काम किया हो, और कहने को ये कहते हैं कि अमृत काल है। अगर ये अमृत काल है, आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारा किसान क्यों धरना दे रहा है? किसान क्यों दुखी है? किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों ट्रैक्टर लेकर के, अपनी ट्रॉली लेकर के, और क्यों किसान अपने सब कुछ बांध करके दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली
कोई उनको जवाब नहीं दे पा रही है। और तब जब यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर सबसे मुखर थे, उनको सम्मान दिया भारत रत्न से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न, और उसके बाद सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी होगी। क्या किसान अपनी फसल की आय दोगुनी पा रहा है? और अगर फसल की कीमत भी नहीं मिल रही उसको, और इस महंगाई में, इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा किसान के ऊपर संकट है। जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश की कंपनियां दबाव बना रही हैं बीज को लेकर के, अनाज को खरीदने को लेकर के, अपने बाजार को कब्जा करने के चक्कर में, मैं उदाहरण दे सकता हूं, चीनी का क्षेत्र है, ये अलग सवाल है। किसान को गन्ने की क्या कीमत मिले आज की महंगाई में, सरकार को आगे आना चाहिए था। गेहूं किसके लिए खरीदवा रही है सरकार, पैकेज आटा किस पर पहुंच रहा है, उसमें मुनाफा कितना कमा रहे हैं, रिफाइंड तेल जिसके बिना खाना नहीं बन सकता गरीब का, घी रिफाइंड सरसों का तेल, इसका बाजार किसके हाथ में जा रहा है? तो सवाल बाजार का है और बाजार के ऊपर किसान को छोड़ रहे हैं। एमएसपी सरकार दे, एमएसपी की लड़ाई किसानों की पक्षी लड़ाई है, और जब भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न दे करके वोट लेना चाहती है, तो वोट लेने के लिए किसानों की सुनवाई करे, उनकी जो मांगे उनको माने।